दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा भारतीय वायुसेना, सरकार या फिर आम जनता में होती ही रहती है। कभी इसके ताकत को लेकर तो कभी कभी यह नाम घोटाले के आरोपों से सुर्खियों में रहता है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर आज हमारे पास राफेल होता तो नतीजा कुछ दूसरा ही होता, और शायद यह बात उन्होंने पाकिस्तान की तरफ निशाना साधते हुए कहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि वास्तव में राफेल लड़ाकू विमान के भारत आ जाने के बाद से आखिरकार भारत की वायुसेना के ताकत में कितना इजाफा आ सकता है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे अब तक के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की खासियत के बारे में, जिसके सिर्फ नाम से ही दुश्मन देश थर्रा उठता है। तो दोस्तों, राफेल बेसिकली एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है तूफान, और इस मल्टीरोल लड़ाकू विमान को फ्रांस की ही कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है। वैसे तो इस लड़ाकू विमान को भारत में लाने की बातचीत करीब 10 साल पहले से ही की जाती रही है, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को आगे बढ़ाने का काम किया, और 2015 में फ्रांस के दौरे पर गए पीएम ने डसॉल्ट एविएशन के साथ 36 राफेल विमान खरीदने का डील किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि मिराज 2000 विमान जिसने 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर बम गिराए थे, वह भी फ्रांस की ही कंपनी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया फाइटर प्लेन है। हालांकि राफेल मिराज की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इस विमान की रेंज 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और इसकी टॉप स्पीड 2223 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसमें लगे हुए दो शक्तिशाली इंजन पलक झपकते ही इसे रनवे से आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। और कहा जाता है कि यह विमान महज एक मिनट के अंदर ही 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने की ताकत रखता है, और खासकर इसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है कि यह दुश्मन देश के रडार के पकड़ में भी नहीं आता, और इस विमान से जमीन पर हमला करना हो या फिर हवा में, दोनों ही काम बखूबी किया जा सकता है। वैसे ये सभी खासियत इस फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर तो आमतौर पर है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें लगे हुए स्केल्प मिसाइलें इस विमान को और भी घातक बना देती है, और खासकर राफेल की मारक क्षमता भी इतनी ज्यादा है कि इसे दुश्मन के लड़ाकू विमान या जमीनी ठिकाने के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। इस फाइटर प्लेन के जरिए बिना किसी ज्यादा जोखिम के दूर से ही सटीक निशाना लगाया जा सकता है। और दोस्तों, राफेल की खास बात यह भी है कि ना सिर्फ इस विमान के जरिए हल्के परमाणु बम गिराए जा सकते हैं, बल्कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है जिसकी मदद से दुश्मनों को लोकेट भी किया जा सकता है। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो यह विमान खासकर पाकिस्तान से ज्यादा चीन को ध्यान में रखते हुए खरीदा गया है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों में से अगर भारत को कोई टक्कर दे सकता है तो वो शायद चीन ही है। और दोस्तों, राफेल को खरीदने से पहले भारतीय वायुसेना और देश के परिस्थितियों के अनुसार इसमें बहुत सारे बदलाव भी करवाए गए हैं, हालांकि इन जानकारियों को सरकार सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं करा सकती। और दोस्तों, यह प्लेन सिर्फ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की बहुत ही धीमी रफ्तार से उड़ने के साथ 2200 किलोमीटर की तेज रफ्तार भी पकड़ सकती है, और इसमें लगी हुई 1.30 mm की गन एक बार में 125 राउंड की गोलियां दाग सकती है, और राफेल विमान की विजिबिलिटी भी 360 डिग्री है, जिसकी मदद से ऊपर, नीचे, दाएं या फिर बाएं चारों तरफ आसानी से निगरानी रखा जा सकता है। और दोस्तों, इस विमान के ताकत का प्रदर्शन अफगानिस्तान और लीबिया में दिखाया जा चुका है। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द यह विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है, और इस विमान के आने के बाद से भारतीय वायुसेना की ताकत और भी कई गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तो भारतीय पायलट ने MiG-21 बाइसन से F-16 को मार गिराया था, अब आप ही बताइए कि राफेल के आ जाने के बाद से हमारे जवान क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि राफेल से संबंधित यह जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।